वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट, दो एलिमेंट जो है मेन में इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सेकंड जो पार्ट है हमारा वो हम बात करेंगे इकोलॉजी इकोनॉमिक्स। दो ब्रांच के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरीके से इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे को, वो आज हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हमेशा ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन बताता है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। ह्यूमन बीइंग का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन बताता है, ह्यूमन बीइंग किस तरीके से एनवायरमेंट से रिलेट करता है और दोनों किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, वो यहाँ पे बताता है। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और एनवायरमेंट की बात करते हैं तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर। ह्यूमन बीइंग एनवायरमेंट की मदद लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग यूज द वुड फॉर मेकिंग अ फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए वुड यूज करता है। सो दे आर डिपेंड ऑन नेचर। और इन्वायरमेंट जो है हमारा, जहाँ पे हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट की जो थिंग्स है उनका भी प्रॉपर यूज तभी है जब ह्यूमन बींग उस चीज को उनको यूज करता है। सो बेसिकली एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के बीच में, या ऐसे कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेशन बताता है। ह्यूमन बीइंग और नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से कनेक्टेड है और दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग अपनी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से डेवलप कर सकता है एनवायरमेंट की हेल्प को लेकर। अगर बात करें इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की, तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताता है, ओनली नेचुरल रिसोर्सेज के स्पेयर को बताता है, नेचुरल रिसोर्सेज के स्पेयर को बताता है। स्टार्ट। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करता है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक तरीके से इकोनॉमिक्स का सब पार्ट है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का सब पार्ट है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को ये माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी का ही पार्ट है या फिर हमारी इकोनॉमी का ही सबसेट है, इकोनॉमी का ही पार्ट माना जाता है। तो बेसिकली दो कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट होते हैं, फर्स्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जिसमें ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट का रिलेशन बता रखा है, दोनों के बारे में इंटरेक्शन बता रखा है, दे आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि इकोलॉजिकल एनवायरमेंट जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी का ही एक पार्ट है, एक सब सेट है।